वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है ना, वो डिजीज़, वॉर या एक्सीडेंट से नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा होती है पैसे को लेकर। आप तैयारी कर रहे हो जॉब लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो उस एग्ज़ाम की करो ना जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो रिज़ल्ट है वो मिलना है। अगर आप CGL से करते हो, सारे एग्ज़ाम से ज़्यादा सैलरी है। अभी अगर आपसे बोल दिया जाए ना कि आपको 1,00,000 रुपये मिलेंगे, आपको एक महीना अंडरग्राउंड होकर पढ़ना है, आप में से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए झुक जाओगे। MTS का रिज़ल्ट आया कल, कुछ लोग बहुत खुश, कुछ लोग बहुत दुखी। जो दुखी हो रहे हैं ना, उन्हें सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता, मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता तो क्या हो जाता, 8-10 महीने तो ज्वाइनिंग नहीं आती, इतनी खुशी लेके बैठते, CGL के प्री में अच्छे से अपीयर नहीं कर पाते, ठीक है। अब वो टाइम है जिस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है CGL के लिए। प्री क्वालिफाइंग है, मेंस में जान लगा दो, पहले पेपर के मार्क्स जुड़ने नहीं, तीसरा पेपर होना नहीं, सिर्फ एक ही पेपर है। इतना ज़्यादा एफर्ट डाल दो यार, अपने दुख दर्द को ना अपनी ताकत बना लो, ये तभी पॉसिबल है। अगर मेरे साथ भी ऐसा होता, अगर मैं भी पहले ही अटेम्प्ट में कहीं ऐसा लग गया होता, तो मैं शायद उस सीरियसनेस से आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। तो यार आप कोशिश करो, अपने दुख को अपनी ताकत बना लो। कितने MTS होंगे जो सेलेक्टेड हैं, कितने MTS होंगे देख लेना, कितने CGL में सिलेक्शन ले पाते हैं। रीज़न, क्योंकि वो खुश हो चुके होंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। जब आपका कोई भी अच्छी चीज़ होने वाली होती है ना, इतनी वैकेंसी आई है, अगर आपका नहीं हुआ ना, आप वो हो जो आप CGL में लेना पोस्ट डिजर्व करते हो, वो नहीं है जिसका MTS में सिलेक्शन हो गया। तो आप बराबरी के अब टक्कर पर हो उन कैंडिडेट के जो CGL वाले। आप में से बहुत सारे जो CGL की तैयारी करोगे, MTS का भी भरा होगा, जिनका नहीं हुआ होगा। होता है ऐसा, मैं अगर अपीयर होता शायद, तो ऐसे और भी हमारे जैसे एजुकेशनिस्ट या यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, अगर अपीयर हो, क्योंकि CGL MTS में चारों पेपर पर पकड़ जरूरी है। अगर आप एक भी पेपर में मैथ के धुरंधर, इंग्लिश के धुरंधर हो, तो आप नहीं मान सकते। तो गाइज, अभी वो टाइम है, अभी वो मौका है जिसमें आप जान लगा सकते हो। CGL कोई ऐसा बड़ा टफ एग्ज़ाम नहीं है, मैंने इतनी बार निकाला, वो चीज़ ऑब्जर्व करी, किसी और एग्ज़ाम में भी बैठते ना तो वही सेम सिचुएशन, सेम प्रेशर रहता। यार आप ऐसे परेशान होते हो जैसे पता नहीं क्या लूट गया। अगर मान लो MTS में अगर सपोज़ करो 1% हो भी जाता, तो कौन सा आपको क्या मिल जाता, 20-25 हज़ार सैलरी होती, 3 गुना सैलरी आपको इसमें मिलेगी CGL में। यार देखो, MTS वाले एक बात बता दूँ, अगर मान लो आपका MTS में हो जाता, ठीक है, सपोज़ करो, तो आप कौन सा गाड़ी बंगला खरीद देते, अभी कुछ नहीं करते ना, एक मन में सेटिस्फेक्शन होती, मन में ये सेटिस्फेक्शन पालो ना कि आप CGL का निकाल रहे हो। देखो मेरे आसपास जो है, मैंने बहुत सारे MTS को देखा, ठीक है, जो डिपार्टमेंट के अंदर है, तैयारी करते रहते हैं। अब वो तैयारी जब तक करेंगे जब तक उनका CGL नहीं निकल जाता, या उनकी ओवर एज नहीं हो जाती, अटेम्प्ट ख़त्म नहीं हो जाते। यार आपके पास जब तक अटेम्प्ट है, आप तैयारी करते रहो। MTS SSC की फील्ड में MTS से ही शुरुआत होती है सबसे छोटे, और CGL पर जाके ख़त्म होती है। तो जब आपको CGL पर ही जाना है, अब डायरेक्ट सेम लेवल का सिलेबस है, तो डायरेक्ट ही जाओ ना, बीच में आप हॉल्ट लेते हुए जा रहे हो, ठीक है, सीधा डायरेक्ट रहो। यार अगर कोई आपसे बोलता है ना कि आप नहीं कर सकते, आप सिंपल बोल देना, भाई हाँ ठीक है, हम नहीं कर सकते, और उसके बाद उसको करके दिखाना, ठीक है। आप उसको अपनी सक्सेस स्टोरी आप उसको करके बताना, ऐसे मत करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये वो। देखो भाई, अगर आप जो है वो लगे रहोगे सिलेक्शन लेने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बीच बीच में आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, फाइनेंशियली मेंटली सब आप झेलोगे, उससे क्या है, इंसान स्ट्रांग होता है, ठीक है। आप सोचो कि नहीं यार मैं स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा सुपर हीरो बन जाऊं, तो वो थोड़ा मुश्किल है। देखो, जो निरंतर प्रयास करेगा ना, वही सफलता की कुंजी है, ठीक है, निरंतर प्रयास करेगा वही सफलता की सीढ़ी चढ़। अभी अगर आपसे बोल दिया जाए ना कि आपको 1,00,000 रुपये मिलेंगे, आपको एक महीना अंडरग्राउंड होकर पढ़ना है, आप में से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए झुक जाओगे। यार आप समझो, आप जब जॉब में आ जाओगे ना, तो आपको 1,00,000 रुपये देने पड़ेंगे, उल्टा होगा, पढ़ने के लिए आपको छुट्टी लेनी है तो आपके पैसे कटेंगे। तो भाई अच्छी चीज़ है, अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लो। अभी अगर आपको कोई 1.5-2 लाख रुपये बोल देना कि हाँ मैं 2 लाख रुपये दूंगा, और तुझे सिलेक्शन लेके दिखाना है, तुझे क्लियर करके दिखाना है, तो आप पढ़ोगे।